हेलो एंड स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक की। ये इसका होगा पार्ट टू। ये जो बुक है कितनी इम्पॉर्टेंट बुक है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, नए नए इस फील्ड में आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को परचेज कर लें। कहीं से भी करें, बुक को परचेज कर लें। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वीक है तो इस चैनल पे आपको मिलेगा इसका एक ऑडियो फाइल। नेट आपके पास में है तो आप जाइए लुसेंट की प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिलेंगे ऑडियो फाइल, उसको आप सुन सकते हैं। ये है फिलहाल वीडियो। इस वीडियो में मैं केवल इस बुक का करूँगा वो पार्ट कवर जो होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से काफ़ी बार मैक्सिमम टाइम्स आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए इस वीडियो के साथ भी आप बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ये काल क्या होता है, केवल केवल हम इसके बारे में जानेंगे। और इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा आपसे सिंधु सभ्यता के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पार्ट इस बुक के खत्म आज होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्यत नहीं किया, मतलब हमारा कुछ काल था, प्राचीन काल था, उसमें हमने ये क्रियाकलाप करे थे, हमने ये कार्य करा था, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में क्या होता है, किसी भी प्रमाण के कोई भी लिखित, कोई भी रिटर्न हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मानव विकास के उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। इतिहास किसको बोलते हैं? इतिहास उसको बोलते हैं जिसका लिखित में कोई प्रमाण होता है। अगर प्रमाण नहीं है लिखित में तो वो इतिहास नहीं है, ठीक है। इतिहास की इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? रिटर्न में होती है, लिखित रूप में होती है। कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य हमको मिलने चाहिए, चाहे वो पत्थरों पर लिखित हो, चाहे वो पेपर में लिखित हो, या फिर वो किसी पत्तों पर जो लीव्स होती हैं, जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उसमें ही लिखित क्यों ना हो, बट प्रमाण होना चाहिए लिखित, उसको हम बोलते हैं इतिहास। ये था प्रागैतिहासिक काल, वो काल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। आपको चल गया पता प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये काल वो होता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, मतलब लिखे तो जा सके, लेख लिखे उन्होंने अपनी भाषा में, लेकिन क्या हो गए, वो पढ़े नहीं जा सके। अगर आप हिंदी में लिखते हैं और किसी फ्रेंच पर्सन को आप बोलते हैं कि यार ये पढ़ के दिखाओ, तो उसको दिक्कत होगी। या फिर कोई इंसान अगर उर्दू लिखता है और उर्दू वाले को आप बोलो कि हिंदी ये पढ़ के दिखाओ, तो उसका दिक्कत होगी। या फिर अगर हम अगर आप लोग मतलब करें हिंदी लिखते हैं और हिंदी के सामने अगर मैं आपको कुछ उर्दू की लैंग्वेज ला के दूँ, आपको बोलूँ कि इसको पढ़ के दिखाओ, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लिखे तो गए हैं लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से लिखे हैं, लेकिन क्या हो गया, वो पढ़े नहीं जा सके। तो ये क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। लिखे तो गए लेकिन पढ़े नहीं गए। बात करते हैं हम लोग होमो सेपियंस के बारे में। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल आपको समरी बता रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कौन सा काल क्या था, और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। एक एक लाइन में आपको एज ए मतलब मशीन की तरह पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं जैसे ऑडियो फाइल में हुआ। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास में आए कि सर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई न्यूज़ चैनल सुन रहे हो, कोई रट्टू तोता बोल रहा हो, रटी जा रहा है कंटिन्यू, वो पढ़े जा रहा है, सर बहुत बोर हो गए। मतलब वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा है, आप ऑडियो फाइल सुनिए, वो भी किसी इंसान ने काफ़ी मेहनत करी है, वो भी हमने काफ़ी रिकॉर्डिंग करी मेहनत के बाद में, उसके बाद में आपको अपलोड करा, लेकिन आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिली तो मैं बना के लेके आया हूँ आपके सामने वीडियो। और इस वीडियो में मैं केवल आपको समझाऊंगा वो फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बात करते हैं हम होमो सेपियंस क्या होता है। होमो सेपियंस मतलब ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 30 से 40 हजार पहले हम लोगों का जन्म हुआ था, ज्ञानी मानव का जन्म हुआ था। बात करते हैं हम लोग पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, वो जीवित कैसे रहता था, वो क्या खाता था, वो क्या करता था, शिकार, जंगल गया, शिकार करा, मांस खाया और जिंदा रहा। ये बात कर रहा हूँ मैं पूर्व पाषाण युग के बारे में। बात करता हूँ नेक्स्ट की आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। कौन से काल में कौन सा आविष्कार हुआ था, एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, आपको चार ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है वहां पर
पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। अब हम बात करते हैं आगे की, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में स्टार्ट हुई। मनुष्य ने एक जगह पर रहना स्टार्ट करा, एक ही स्थान पर रहने के बाद में उसने खेती स्टार्ट करी, उसमें उसने जो उसको अच्छा लगता था फल वगैरह उसने उसको वहाँ पर उगाया और वहीं पर उसने निवास स्थान शुरू कर दिया। तो एक मतलब कि एक जगह पर स्थिर होकर के रहने का जो काल था उसका जो उसने स्टार्ट करा था वो करा था नव पाषाण काल में। और उसने सबसे पहले किस पालतू को अपना पालतू पशु बनाया, किस जानवर को, किस एनिमल को, किस पशु को उसने पालतू बनाया, तो ये बात आपसे एग्जाम में कई बार करता है। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले उसने जो अपना पालतू पशु बनाया वो था पालतू पशु उसका कुत्ता। बात करते हैं आगे की, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करा, सबसे पहले धातु का प्रयोग करा था, कौन सी धातु थी मनुष्य ने वो करी थी तांबा का, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला जो औजार था तांबे की कुल्हाड़ी बनाई थी उसने। सबसे पहला जो उसने औजार बनाया था वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुल्हाड़ी, और वो कुल्हाड़ी किसकी बनी थी तांबे की। और आज के टाइम पे तांबे का रेट क्या है, तांबा आपको सोने से भी ऊपर जा रहा है, तो तांबा एक्चुअली देखने को मिलता ही नहीं है, जो प्योर तांबा होता है वो। और पहले के टाइम पे इतनी मोटी कुल्हाड़ी किससे बनी थी तांबे की, क्योंकि उस टाइम पे केवल हमारे पास क्या था, तांबा ही एक धातु था। उस टाइम पे ना तो हमारे पास चांदी थी, ना तो हमारे पास सोना था, ना ही हमारे पास लोहा था, ना ही हमारे पास एल्युमिनियम था, था तो केवल क्या था, वो था तांबा। तो जो मिलेगा उसी से उसका औजार बनेगा, मतलब कुल्हाड़ी बनेगी। अगला जो फैक्ट है वो है कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, और इसी काल में इसने अपना स्थिर होकर रहना प्रारंभ करा। ठीक है, दोनों ही चीजें आप हैंड टू हैंड रिवाइज करते जाइए। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गेहूं और जौ। अगर आप बच्चों पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे आपको पंडित जी जो लिस्ट लिखवाते हैं कि हाँ ये सामान लेके आओ, उसमें गोला नारियल ये वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें जौ भी होता है, क्योंकि जौ हमारा क्या है, सबसे प्राचीन फसल होती है गेहूं और जौ। जौ तो आपको पक्का मंगवाते हैं जो पाठ पूजा करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा। और पाठ पूजा आप सभी करते हो, चाहे घर में कोई सा भी मन लग रहे हवन पूजा पाठ क्यों ना हो, तो उसमें आप देखेंगे सामग्री में जौ जरूर लिखा होता है। तो इसलिए आप याद रखिए जौ सबसे प्राचीन फसल है और गेहूं भी है। बात करते हैं आगे हम लोग की, पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, सबसे पहले पुरापाषाण कलाकृति की खोज कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी पलावरम में। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है आपका भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। भारत का सबसे प्राचीन नगर था वो था मोहनजोदड़ो, और इसकी भाषा क्या थी, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मतलब मृतकों का टीला कहा जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को। आगे हम फैक्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, यहाँ से स्टार्ट होता है इस बुक का सिंधु सभ्यता पेज नंबर 5। देखिए आप एक बार सोच रहे होंगे यार ये बुक नई नहीं है, ये बुक तो काफी ओल्ड है, ये बुक इतनी भी ओल्ड नहीं है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, याद रखिएगा ओल्ड इज गोल्ड। देखिए नई बुक मार्केट में आई क्यों आई, क्योंकि जब पुरानी बुक की जो सेल थी मार्केट में कम हो गई तो नई बुक को नया डिजाइन करा गया, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई और लंबाई को थोड़ा सा कम कर दिया गया, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर 2017 की एड कर दी। तो 2017 की केवल करंट अफेयर्स के लिए आप नई बुक परचेस करें ये कोई लॉजिक नहीं बनता। केवल एक वर्ष की करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपल कोई 20-30 रुपए की कोई भी मैगजीन कहीं से परचेस कर सकते हैं, और नई बुक में कवरेज बहुत कम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी चीजें उसमें से काट दी गई हैं। लेकिन और जो पुरानी बुक है मैं बताना चाहूंगा, पुरानी बुक काफी बेस्ट बुक है, मैं आपसे दोबारा कहूंगा ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी चीजों में काफी दम होता है, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, नई चीज अपना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं। लोगों के अंदर भूत सवार है कि पुरानी किताब रखी है तो वो रखी रह गई, और नई बुक आ गई तो सेम बुक वही नई परचेज करके मार्केट से ले आए। तो नई बुक मत लाइए, आपके पास पुरानी बुक है केवल उस पर फोकस करिए, और उसमें से मैं डैम श्योर कि आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ अब सिंधु सभ्यता के बारे में कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या रखी गई। ये थी 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी मानी गई है। ठीक है, कौन से काल के बीच को माना गया कि सिंधु सभ्यता थी,
तो ये काल था आपका 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में। अब सिंधु सभ्यता की खोज आखिरकार किसने करी थी, कब करी थी, हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़े ही समय में इसी वीडियो में। लेकिन आप याद रखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी आपको एग्जाम में केवल नाम देगा, दयाराम साहनी, तो आप याद रखिए केवल दयाराम साहनी, आगे कोई भी नाम देता है तो आप उस पर टिक लगा के अपना आ जाइएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिलहाल की ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने एरो, इसमें फोकस करते हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता या सैंदर सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, तो आपको याद रखिएगा नगरीय सभ्यता तो ये थी। और सैंदर सभ्यता से प्राप्त जो था परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई, और 6 नगर कौन कौन से हैं, वो हैं आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलीवीरा, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पे खोजे गए थे, वो खोजे गए थे स्वतंत्रता के बाद 1947 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, कहाँ पे खोजे गए थे, गुजरात में इसके मैक्सिमम अवशेष मिले गए थे। तो ये स्टेट काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेट से संबंध रखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जुते हुए खेत, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अगला फैक्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी सैंदव सभ्यता की इमारत कौन सी है, वो है आपका विशाल अन्नागार। क्या था ये अन्नागार, अन्नागार में करते थे फूड की स्टोरेज, खाने की स्टोरेज, बहुत बड़ी स्टोरेज थी। और ये कहाँ पे थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी अन्नागार, सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। एग्जाम में आपसे पूछता है कि सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे खोजी गई, ये खोजी गई थी मोहनजोदड़ो में, और वो थी क्या थी, वो थी अन्नागार। अब बात करते हैं हम लोग स्नानागार के बारे में। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्नानागार में, जहाँ पे लोग मिलकर के काफी सारे लोग स्नान करते थे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जी हाँ बच्चों, काफी टफ आपको लग रहा होगा सुनने में गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये पूछता है, हाँ जी पूछता है, ये पूछता है एलडीसी में कई बार पूछा गया है, सीजल में कई बार पूछा गया, तो प्लीज 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 आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्लीज, जो मतलब गहराई का मतलब है ऊंचाई से, ठीक है, आप इसका नोट कर लीजिए। स्नान कुंड मिला था हमको और सबसे बड़ा स्नान गार था, ये स्विमिंग पूल था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग स्विमिंग पूल, हाँ जी। लंबाई थी इसकी फिलहाल 11.88, चौड़ाई थी इसकी 7.01, और था ये गहरा मतलब हाइट जो थी इसकी स्विमिंग पूल की वो थी 2.43। अब बात करते हैं हम लोग अग्निकुंड की, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड कहाँ से हुआ था, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी, कहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। आपको चार ऑप्शन देगा, उसमें आपको कालीबंगन देगा और अदर काफी सारे जगह का ऑप्शन देगा, आपको राइट रखना है, राइट अपना आंसर जो है वो याद रखना है, वो रखना है मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। जो हड़प्पा की जो मोहरे थी, जो स्टैंप थी, जो स्टैंप लगाते हैं वो स्टैंप की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे ज्यादा जो फिगर बनाई गई थी वो बनाई गई थी श्रृंगी पशु की। किस पशु की, श्रृंगी पशु की। इस पशु का नाम, जो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछता है, तो आप उसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं। अगला जो हम करते हैं फैक्ट पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, और यह लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर लिखी जाती थी, एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं और लिखी जाती थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पंक्ति कैसे कहते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा एरो, ठीक है, ये एरो इसे ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद इसको यहां से नीचे करके ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा, मतलब zigzag बनेगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से पंक्ति लिखी जाती थी। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने, इन्होंने पद्धति अपनाई थी ग्रिड पद्धति। किस चीज के लिए, मतलब नगरों को और जो घर थे, जो उनके होम थे,
उसको तरीके से बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आगे हम बात करते हैं कि देखिए क्या होता था इसकी, इसमें घरों के दरवाजे और खिड़कियां, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार के थे वहां के घर और दरवाजे और खिड़कियां। देखिए घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब बैक साइड से वन साइड उसका ओपन था। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सबके जो दरवाजे थे वो एक छोटी सी संकरी गली से खुलते थे। मेन जो रोड थी वहां पे उसके बंद थे दरवाजे, लेकिन लोथल में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। लोथल नगरों के घरों के दरवाजे मेन सड़क पर की ओर खुलते थे। अगला जो है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। याद रखिएगा गेहूं और जौ अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद मीठे में ये लोग क्या खाते थे? सैंधववासी मीठे में क्या खाते थे? जैसे कि हम लोग आज के दौर में मीठा बहुत कुछ खाते हैं, जैसे कि मीठे के हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके घर के पास में बिल्कुल बिल्कुल होगी एक हलवाई की दुकान, वहां जाइए, आपको मीठे के काफी सारे ऑप्शन, काफी सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता में केवल एक ही विकल्प था, वो था आपका क्या था? सैंधव सभ्यता वाले जो वासी थे वहां के लोग मिठास के लिए केवल शहद का प्रयोग करते थे। शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से, और मधुमक्खी के छत्ते काफी आसानी से हमको सैंधव वासी में या फिर प्राचीन काल में बहुत पेड़ों पे लगे हुए रहते थे। जब वो चखते थे उसको कहते थे भाई वाह क्या मीठा है, ये तो शहद है, चलो ठीक है। इसको वो लोग अपने किसी सिंपल बॉक्स में भर लेते थे और उसका सेवन करते थे, क्योंकि शहद जो होता है हेल्थ के लिए काफी लाभदायक होता है, ये आप सभी जानते होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की ओर, की तोल की इकाई संभवतः सोलह के अनुपात में होती थी। किसके अनुपात में होती थी तोल की इकाई? ये होती थी सोलह के अनुपात में। अब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों और चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए सैंधव सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? दो पहियों या फिर चार पहाड़ियों या सॉरी चार पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी लगी होती थी या फिर उसमें लगी होती थी भैंस, ठीक है। बैल लगी होती थी तो बैलगाड़ी, भैंस लगी थी तो भैंस गाड़ी कहते थे उसको। उसमें या तो दो पहिए होंगे या फिर होंगे चार पहिए, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मिलुहा या फिर मिलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है सिंधु सभ्यता से, या मेसोपोटामिया से जो हमको अभिलेख मिले हैं उसमें लिखा हुआ है मेलुहा। मेलुहा जो रीड करा गया तो इसका अर्थ ये निकाला गया, इसका अर्थ है वास्तव में सिंधु सभ्यता। तो ये अभिलेख किससे संबंधित था? सिंधु सभ्यता से। आगे हम बात करते हैं कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने किसको जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है? पिगट ने, ये एक आदमी का नाम है, इसने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों को क्या बोला? जुड़वा राजधानी। ये क्या है? जुड़वा राजधानी है दोनों। और ये किसने बोला सबसे पहली बार? ये बोला सबसे पहली बार पिगट ने। पिगट एक दार्शनिक, एक पिगट एक ऐतिहासकारिक था, इतिहास की खोज करता था, तो ये था पिगट इसका नाम। इसने क्या बोला? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? एक जुड़वा राजधानी है। अब हम बात करते हैं वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले। वो किसकी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? ये करते थे वृक्ष की पूजा और करते थे शिव की पूजा। आगे हम बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह। आपको पता होगा स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह होता है जेड बनाते हैं हम लोग और फिर एक अपोजिट जेड बनाते हैं, तो ये होता है आपका स्वास्तिक का चिन्ह। आपको अच्छे से पता होगा ये चिन्ह क्या होता है। ये चिन्ह की देन कौन सी सभ्यता थी? ये थी हड़प्पा सभ्यता की देन। एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है या फिर किस सभ्यता से हमको प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ हमको हड़प्पा सभ्यता से। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, ये फैक्ट, ठीक है। इस फैक्ट को आप नोट करिए कि सिंधु सभ्यता में कौन सी देवी की पूजा होती थी? ये होती थी मातृ देवी की उपासना करते थे यहाँ के लोग। और बात करते हैं हम लोग अगले फैक्ट की कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड, याद रखिएगा पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड होता है, कुबड़ बोलते हैं इसकी पीठ काफी उभरी होती है, उठी होती है, उसको बोलते हैं कुबड़, ठीक है। पशुओं में, एनिमल में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। विशेष पूजनीय कौन सा एनिमल था, कौन सा पशु था? अगर एग्जाम में आपसे ये पूछेगा तो आपको याद रखना है कुबड़ वाला सांड। आगे हम बात करते हैं कि सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसे प्रयोग करते थे, किस तरह का प्रयोग करते थे? वो करते थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। आगे हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। एंटरटेनमेंट वो कैसे करते थे? वो करते थे सैंधववासी मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में क्या करते थे,
झगड़ाते थे, उनका आपस में वार करवाते थे और चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। देखिए एंटरटेनमेंट आज के दौर में बहुत सारे साधन है, लेकिन लास्ट में जो हमारा प्राचीन जो काल था उसमें क्या था, वो लोग मछली पकड़ते थे, तूने कितनी मछली पकड़ी, तूने कौन सी मछली पकड़ी, मैंने कितनी मछली पकड़ी, या फिर शिकार किसने कितना करा, या पशु पक्षियों को आपस में थोड़ा सा उनका क्या करा, आपस में उनको थोड़ा सा उनका झगड़ा करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह के गेम वो खेलते थे। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, याद रखिएगा लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्या हथियार था जिससे वो परिचित नहीं थे, तो वो थी तलवार, इसके बारे में वो कभी नहीं जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी के लोग। आगे हम बात करते हैं कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरे हुए था, मतलब जो छोटे मोटे जो जगह थी वो भी क्या थी, किले से घिरी हुई थी। आगे हम बात करते हैं पर्दा प्रथा एवं वैश्यवर्ती सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा भी कहाँ पे थी, सैंधव सभ्यता में थी, और वैश्यवर्ती भी कहाँ थी, वो सैंधव सभ्यता में काफी प्रचलित थी। आगे हम बात करते हैं देखिए फैक्ट के बारे में कि शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या करते थे, शवों को जो बॉडी होती थी जो एक्सपायर हो जाती थी उसको क्या करते थे, जलाने की प्रथा थी। अब आप याद रखिएगा हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, ठीक है, गड्ढा खोद करके इस तरह से जो दफनाना होता है शवों को दफनाया जाता था, जबकि इसके अपोजिट क्या होता था, मोहनजोदड़ो में क्या करते थे, इसमें शवों को जला देते थे, ठीक है, जलाने की प्रथा थी इसमें। आगे हम बात करते हैं देखिए कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः क्या रीजन पाया गया, तो ये रीजन था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या थी, बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में पानी का एक बहुत बड़ा जाल आया और पूरे के पूरे सैंधव सभ्यता को तबाह करके ले गया। आगे हम बात करते हैं कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को हम बोलते हैं टेराकोटा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं टेराकोटा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो ये आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, अगर आपको याद ना हो तो, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर याद है तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें, हाँ देखिए जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज जो करी थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। एक और व्यक्ति थे, इनका नाम काफी कम इनका जिक्र होता है, लेकिन आप याद रखिएगा दयाराम साहनी, ठीक है, क्या, दयाराम साहनी। देखिए अगर बात करें कौन से वर्ष इन्होंने इस स्थल का मतलब खोज करी, वो करी 1921 में, और ये स्थिति कहाँ पर है, इस समय हड़प्पा कहाँ पर है, अगर आप घूमना चाहते हैं देखना चाहते हैं ये स्थान, तो आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और आपको हड़प्पा सभ्यता आराम से देखने को मिल जाएगी। आप याद रखिएगा किस नदी पर है और किसने खोज करी किस वर्ष, ये सभी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता मतलब जिसने खोज करी और वर्ष, स्थिति कहाँ पर है, ये अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्थिति कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। बट देखिए साफ सीधी बात ये है कि अगर आप, एक कहावत है मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको जंगल में शिकार करना हो किसी खरगोश का, तो हथियार कम से कम किसी शेर के लेके चलो साथ में, ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ, ना जाने कब जंगल में किस शेर से मुलाकात हो जाए, आप उसको ये थोड़ा बोलोगे भाई हम तुझको मारने नहीं आए थे, हम तो खरगोश को मारने आए थे, बेटा थोड़ा साइड हो जा, हमको मत मार, हमको मत खा, ऐसा नहीं बोलोगे ना आप उस समय। तो इसलिए सिक्योरिटी अपने हाथ में रखिए, कम से कम एक एग्जाम एक जंगल के समान है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल पॉइंट नंबर टू है हमारा मोहनजोदड़ो, ये हुआ था, ये है फिलहाल सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने, और किस वर्ष करी थी खोज, ये करी थी 1922 में। राइट नाउ एट प्रेजेंट वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। आगे हम बात करते हैं कालीबंगन चन्हु दड़ो, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है और ये शायद ना के बराबर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं करा है। मैं बात करता हूँ कालीबंगन की, यह है घग्गर नदी के किनारे, और इसकी खोज करी थी बीबी लाल और एव बी के थापर ने,
ठीक है, बीके थापर ने करी थी इसकी खोज और लाल ने करी थी इसकी खोज। कब करी थी? 1953 में, आजादी के बाद। और राइट नाउ एट प्रेजेंट इसका स्टेटस कहाँ पर है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पर ये स्थित है? ये है फिलहाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आगे हम बात करते हैं लोथल की, पॉइंट नंबर 8। लोथल, लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे और इसकी खोज करी थी रंगनाथ राव ने 1955 में एवं 1962 में। इसकी खोज दो बार दो अलग अलग डेट में हुई थी, थोड़ी खोज हुई थी 1955 में, उसके बाद इसकी खोज दोबारा लोथल गए, दोबारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में गए, दोबारा खोज करी, थोड़े साक्ष्य हमको और प्राप्त इसके हुए। वो हुए कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल उतना ही हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। आगे है धोलावीरा। धोलावीरा जो किस नदी के किनारे है, ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। फिलहाल इसकी खोज किसने करी थी? ये खोज करी थी, हम बात करते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ये खोज करी थी। और कब करी थी? अभी हाल ही में 1990 से लेकर 91 के बीच में, पूरा एक साल लगा इसकी खोज हुई थी। और उसके बाद गुजरात के कच्छ जिले में इसकी स्थिति है। अगर आपको जाना है देखने के लिए धोलावीरा तो आप जा सकते हैं गुजरात में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही मैंने कवर करा सिंधु, और बात करी आपसे मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आगे मैं आपसे बात करूंगा वैदिक सभ्यता के बारे में, और फिलहाल इस वीडियो में केवल और केवल इतना ही। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय बहुत कम है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बुक खत्म करी जाए, तो इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है लुसेंट के नाम से, लुसेंट ऑडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पे आप जाइए और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के, और आपको अदर सब्जेक्ट के सारे ऑडियो फाइल मिल जाएगी। आप उसको सुन सकते हैं, ध्यान से उसको सुनिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। वो ऑडियो फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, उसमें लाइन टू लाइन हर चीज़ कवर करी गई है। मैं वीडियो में एक चीज़ वही कवर कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पूरी बुक एज इट इज़ जो बिल्कुल आपने अभी डिस्प्ले में देखी, सेम एक एक लाइन बिल्कुल रीड करी गई है। तो मैं एक्चुअली वीडियो में सेम रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रीड ना करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ और मैं केवल उतना ही पढ़ाना पसंद करूंगा जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। और आप देखिए उस ऑडियो फाइल को, सुनिए, रात को कानों में लगा लीजिए, सुनते रहिए उसको कंटिन्यू, और काफ़ी इन्जॉय करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें जानकारी मिलेगी अगर समय कम है तो। और अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल, आपके नियर में जो भी मार्केट होगी वहाँ पर आसानी से आपको ये बुक मिल जाएगी। ओल्ड इज गोल्ड, मैं अगेन बोलूँगा, अगर बुक आपके पास ओल्ड है उसी को पढ़िए, नई बुक परचेज मत करना। नई बुक में कुछ नहीं है, मैक्सिमम आपका करंट अफेयर्स दे रखे हैं उसमें आपको बस। बाकी और काफ़ी पुरानी बुक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो नई बुक में काफ़ी चीज़ें उसने इरेज कर दी हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहाँ से बेस्ट लगता है वहाँ से करिए, नई पुरानी जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, बस टारगेट ये सेट करिए कि 2017 में आपको अपना सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत में। डू एंड डाई, करो या मरो, ये वाला हिसाब आपके पास होना चाहिए। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में दिखाई देगा आपको एक बेल आइकन, उसके बगल में दिखाई देगा आपको एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस चैनल के जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप भी पढ़ें और सबको भी पढ़ने का मौका दें। करिए शेयर, खूब शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।